के नगर परिषद प्रशासन द्वारा पुलिस बंदोबस्त में महामार्ग किनारे का अतिक्रमण हटाने की मुहिम प्रारंभ। गुरुवार की सुबह भारी संख्या में बंदोबस्त लेकर आए अधिकारियों ने किया व्यापारियों को राहत प्रदान करने से इनकार। वाड़ी नगर परिषद ने वाड़ी से गुजरने वाले राष्ट्रीय महामार्ग किनारे अतिक्रमित दुकानों का अतिक्रमण हटाने की विशेष मुहिम शुक्रवार को तगड़े पुलिस बंदोबस्त में प्रारंभ होकर संपन्न हुई। वाड़ी नगर परिषद ने 15 नवंबर को महामार्ग पर अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वालों को नोटिस जारी किया था। उसकी मियाद 19 तारीख की खत्म होते ही 21 नवंबर से नगर परिषद प्रशासन इस मुहिम का पुख्ता इंतजाम किया। महामार्ग प्राधिकरण के अधिकारी वाड़ी पुलिस का दस्ता भी नगर परिषद में सुबह तैनात किया गया। इधर अतिक्रमणधारी 200 से अधिक दुकानदारों को वाड़ी पुलिस ने मोर्चा की अनुमति नहीं देने से वे भी भारी संख्या में सीधे गुरुवार को वाड़ी नगर परिषद कार्यालय पहुंचे। सभी ने नगराध्यक्ष प्रेम झाड़े को एक निवेदन सौंपकर कार्यवाही स्थगित करने का आग्रह किया। नगराध्यक्ष प्रेम झाड़े ने नियम का हवाला देकर इस कार्यवाही को रोकने में असमर्थता व्यक्त की। वाड़ी नगर परिषद सभागृह ने महामार्ग का अतिक्रमण हटाने का निर्णय सभागृह में एकमत से पारित हुआ है, परंतु आने वाले 30 तारीख को नगर परिषद सभागृह में इन विस्थापित दुकानदारों को व्यवसाय स्थापना हेतु विशेष प्रस्ताव पारित कर व्यवसायिक संकुल, मार्केट परिसर, मटन मार्केट सुविधाओं का निर्माण करने का आश्वासन उपस्थित त्रस्त दुकानदारों को दिया। दुकानदारों के प्रतिनिधि राजेश जंगले, अश्विन बैस, शिव वाहतूक सेना के राजेश अग्रवाल, इशाक खान, रोशन सोमकुवर आदि ने इस कार्यवाही से हजारों बेरोजगार व परिवार पर दुष्परिणाम को देखते हुए जब तक नगर परिषद वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती तब तक इस मुहिम को स्थगित करने की मांग की। नगर परिषद ने 3 दिवस पहले नोटीस जाहिर केले होते की अतिक्रमण हटवा म्हणून या नगर परिषदने पहिले बाजारपेठची व कोणतीही व्यवस्था न करता अन्याय करण्याचे हे काम करत नगर परिषद व नगराध्यक्ष करत आहे, मुख्य अधिकारी करत आहे, त्यांचे सर्व नगरसेवक करत आहे। या नगरसेवकांनी 25 नगरसेवकांनी यांनी प्रस्ताव पारित केला आहे नगरसेवकांना। मला एवढाच विचारायचं आहे, तुम्ही जेव्हा होतं मागायला आलते तेव्हा तुम्ही हे अतिक्रमण का बरं नाही हटवलं? या अतिक्रमणाच्या विरोधात आम्ही नगर परिषदमध्ये आज मोर्चा घेऊन घेतो, पण नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांनी म्हटलं की नाही, कारवाई तर आजच होणार, कारवाई त्यांनी सुरू केली आहे। तर त्याच विरोधात आम्ही नगर परिषदच्या विरोधमध्ये आहोत आम्ही, की पहिले त्यांनी व्यवस्था करायला पाहिजे होती, त्यानंतर ही कारवाई करायला पाहिजे। परंतु नगराध्यक्ष प्रेम झाड़े कुछ राहत ना दे पाए और मुख्याधिकारी राजेश भगत से मुलाकात लेकर चर्चा की सलाह दी। इससे नाराज होकर यह शिष्टमंडल मुख्याधिकारी राजेश भगत के कक्ष पहुंचा। यहां भी उन्होंने इस अतिक्रमण मुहिम को हटाने में समर्थन किया, परंतु नगर परिषद की कार्यप्रणाली व नियोजन ठीक नहीं होने की नाराजगी प्रस्तुत की। जवाब में राजेश भगत ने बताया कि नगर परिषद के पारित प्रस्ताव उच्च न्यायालय के आदेश देखते हुए यह कार्यवाही करना आवश्यक है। वैकल्पिक व्यवस्था करना यह नगर परिषद सभागृह का कार्य है जो अब तक नहीं किया गया। अब अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही का नियोजन पूर्ण हो चुका है, पुलिस बंदोबस्त भी आ गया, यंत्रणा तैयार होने से मुहिम स्थगित करना असंभव है। पर मानवीय आधार व नुकसान ना हो इन प्रतिनिधियों का अनुरोध स्वीकार करते हुए गुरुवार को केवल MIDC मोड से अमरावती दिशा में 8वां मेल तक कार्यवाही की जाएगी। अमरावती नेशनल हाईवे वर असलेले अतिक्रमण काढण्या संदर्भात नगर परिषदेमध्ये सर्वानुमते निर्णय झाला असून निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात मुख्याधिकारी श्री राजेश भगत यांनी अतिक्रमण धारकांना 3 दिवसाआधी नोटीस देण्यात आली होती व सदर नोटीसच्या अधीन राहून आज अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात कारवाई करण्यात येत आहे। सदर कारवाई थांबण्यात यावी या संदर्भात गावातील काही नागरिकांचे निवेदन मला प्राप्त झाले आहेत, काही राजकीय पक्षाचे निवेदन सुद्धा प्राप्त झाले आहेत व सदर कारवाई थांबण्यात यावी अशी त्यांची विनंती होती, परंतु सदर कारवाई ही गावातील अनेक नागरिकांचे अपघातामध्ये प्राण गेलेत, काही लोक जखमी झालेत आणि एकंदरीत नॅशनल हायवेवर असलेल्या अतिक्रमणामुळे वाहतुकीला होणारा त्रास दूर करण्याकरता सर्वसंमतीने घेतलेला निर्णय असल्यामुळे कारवाई न थांबता रोडवर असलेले अतिक्रमणधारक ज्यामध्ये प्रामुख्याने चिकन मटन मछली बाजारच्या संदर्भात लावलेले दुकान हे कुठेतरी पर्यायी व्यवस्था करून बसवण्यासंदर्भात त्यांची मागणी होती आणि मी निश्चितपणे त्यांच्या मागणीला दुजोरा देता त्यांच्या मागणीशी मी नगराध्यक्ष म्हणून सहमत असून येत्या 30 तारखेला होणाऱ्या सभेमध्ये या दुकानदारांना बसण्याकरता एका मटन मार्केटची व्यवस्था आम्ही करणार आहोत। सोबतच वाडीमध्ये अनेक वर्षापासून अमरावती रोडवर भाजी बाजार भरतो, या भाजी बाजाराच्या संबंधाने सुद्धा अनेकदा वाहतूक विभागाच्या तक्रारी आहेत, ट्रॅफिकला त्रास होतो, भाजी बाजार सुद्धा खडगाव रोडवरती कुठेतरी बसावा या संदर्भात आम्ही जागेचा शोध घेऊन
निश्चितपणे येत्या 30 तारखेला त्याकरता पर्याय काढून वाडीमध्ये सुद्धा एक भाजी बाजार चांगल्या ठिकाणी व्हावा आणि लोकांचा चालू असलेला रोजगार बंद होऊ नये याकरता आम्ही निश्चित प्रयत्न करणार आहोत. मी नगराध्यक्ष या नात्याने गावातील सर्व अतिक्रमण धारकांना विनंती करतो की आपण या कारवाईला सहकार्य करावं. कोणताही अतिक्रमणधारक व्यक्ती कारवाईचा विरोध न करता नियमानुसार होत असलेली कारवाई होऊ द्यावी किंवा आपण दिलेले निवेदन आहेत त्या निवेदनावरती निश्चितपणे आम्ही विचार करून पर्याय व्यवस्था करण्याचा मानस नगर परिषदचा आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय देण्याचं धोरण आमचं असल्यामुळे निश्चितच आपण या विषयावरती तोडगा काढणार आहोत. स्वतः होकर सामग्री हटाने का मौका दिया जाएगा. जब्त सामान को सुरक्षित रखकर वापस किया जाएगा. शुक्रवार को महामार्ग के दोनों दिशा तथा वाड़ी मार्केट परिसर का सीमांकन पीले रंग के पट्टे लगाकर पहले किया जाएगा. पश्चात अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी. सहकार्य करने का आह्वान भी सभी से किया. बाहर भारी संख्या में जमा दुकानदारों को जब यह खबर मिली तो सभी ने आक्रोश व्यक्त कर नारेबाजी कर नगर परिषद के अधिकारी पदाधिकारियों का तीव्र निषेध व्यक्त किया. दोपहर 12 बजे के बाद मुख्याधिकारी राजेश भगत, उप मुख्याधिकारी आकाश सहारे, हाईवे अधिकारी राठौड़, नगर परिषद के अधिकारी धनंजय गोतमारे, सहारे के नेतृत्व में यंत्रणा व वाड़ी पुलिस बल के साथ MIDC मोड से अमरावती महामार्ग के डिफेंस सुरक्षा दीवार से सटे हुए सभी अतिक्रमण को हटाना प्रारंभ किया. इस कार्यवाही को देखते हुए दूसरे अतिक्रमण दुकानदारों ने खुद को तत्परता से वैकल्पिक व्यवस्था कर अपनी सामग्री को हटाना प्रारंभ किया. नियोजन अनुसार शाम तक 8 मई तक यह मुहिम चलती रही. आपण वाडी नगरपालिकेचे जे राष्ट्रीय महामार्ग जो गेलेला त्याचे 2 पार्ट आहे. एक नागपूरकडे आहे आणि दुसरा अमरावती विभागाकडे आहे. त्यामुळे आज अमरावती विभागाकडनं आपल्याला जे इंजिनियर्स प्राप्त झालेले आहे आणि जे डॉक्युमेंट्स आहे त्या आधारे राहुल हॉटेलपासून तर आपण 8 मई हा एरिया क्लिअर करणार आहोत आणि उद्याला आपण जो दुसरी साईड आहे इकडची अपोजिट साईड त्यांची तिथे जे दुकानं वगैरे सगळे आहेत तिथे आपण येलो हे करू, आपण पट्टा मारू आणि त्यानंतर लोकांना संधी देऊ की त्यांचं जे काही साहित्य आहे सामान आहे ते त्यांनी घेऊन जावं, त्यानंतर आपण ती तोडण्याची कारवाई करू. इस अचानक आई आपत्ती से कई वर्षों से व्यवसाय कर अपना व परिवार का प्रपंच चलाने वाले व्यवसायिक इस मुहिम से रोजगार विहीन होने की तीव्र प्रतिक्रिया दुखी होकर दी. नगर परिषद की वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना मुहिम चलाने के कार्य का त्रस्त दुकानदारों ने निषेध भी किया. अब देखना है कि नगर परिषद अपने इन बेरोजगार हुए व्यवसायिकों को कहां और कब व्यवसाय हेतु स्थान उपलब्ध कराकर अपना वादा निभाती है. इनबीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पानसिक, रिपोर्ट.